बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा हेल्थ विद ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलोवेरा से दो ऐसे स्क्रब बनाना सिखाऊंगी जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा यूनिक रेमेडी है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं या फिर पहली बार मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की और नई अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहें। और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का भी बेहद शुक्रिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो टाइप्स के स्क्रब एलोवेरा से बनाना सिखाऊंगी। एक तो है कॉफी का स्क्रब और सेकंड है राइस फ्लोर यानी चावलो के आटे का स्क्रब। दोस्तों एलोवेरा के फायदे तो हम सभी जानते हैं। एलोवेरा में ऐसे प्रोटीन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। दोस्तों आपके चेहरे को ना ही सिर्फ फेयर और ग्लोइंग लुक देगा ये, बल्कि ये आपके चेहरे के पिंपल्स, डार्क स्पॉट्स यानी कि पिंपल्स की वजह से आने वाले जो दाग धब्बे होते हैं इन्हें भी दूर करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाता है। सबसे पहले मैं आपको एलोवेरा का कॉफी से बना स्क्रब दिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलोवेरा के ये जो कांटे होते हैं इनको निकाल बाहर कर लेंगे। तो दोस्तों आपको इस तरीके से एलोवेरा के दो पीस कर लेने हैं स्क्रब को बनाने के लिए। सबसे पहले हम लेंगे खाली बॉल और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चीनी शुगर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने शुगर को दरदरा पीस लिया है, आपको भी इसी तरह से चीनी को पीस लेना है। और दोस्तों मैंने इसे मिक्सचर में नहीं पीसा है क्योंकि मिक्सचर में अगर हम इसे पीसेंगे तो इसका बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनेगा, इसलिए हमें वैसा नहीं पीसना। हमें इस स्क्रब के लिए इस तरह चीनी का इस्तेमाल करना है। तो मैंने इसे बेलन से पीसा है, अगर आप चाहें तो आप भी बेलन से क्रश कर सकते हैं। अब हम लेंगे कॉफी पाउडर, अगर आपके पास कॉफी पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफी को लेकर भी पी सकते हैं। आपने इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। जब तक ये रेडी हो आप मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें क्योंकि इसमें पैसे तो लगते नहीं है। अब हमने एलोवेरा के जो दो पीस किए थे इसमें से एक पीस लेंगे और इसमें हमने ऐसे छुरी से कट लगाने ताकि इसमें से जेल अच्छी तरीके से बाहर निकल आए। और फिर आपने इसके ऊपर कुछ ड्रॉप्स नींबू के डालने हैं। दोस्तों ये बिल्कुल ऑप्शनल है, जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है वो इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ इसका इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लेमन में जो होता है वो स्किन को ब्राइट करने में और स्किन से डेड सेल रिमूव करने में बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए लेमन के कुछ ड्रॉप्स हम इसमें उसके ऊपर डालेंगे। अब इस पाउडर को आपने इस तरीके से इसके ऊपर डालना है। अब आपको इसे अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना है। कम से कम 5 मिनट तक आपने अपने चेहरे पर इसका अच्छे से मसाज करना है। दोस्तों मैंने यहाँ कॉफी का इस्तेमाल किया है क्योंकि कॉफी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और कैफीन होता है जो हमारे चेहरे के सारे प्रॉब्लम्स को दूर करता है और स्किन को एक फेयरनेस और ब्राइट लुक देता है। 5 मिनट मसाज होने के बाद आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही लगाकर छोड़ देना है और जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसे आपने नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो दोस्तों अब मैं आपको सेकंड स्क्रब बनाकर दिखाती हूँ। तो ये भी सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपने कॉफी की जगह राइस फ्लोर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपने क्लीन बॉल लेना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून चावलों का आटा लेंगे और 1 टीस्पून शुगर यानी चीनी लेंगे। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिला लेना है। अब जो एलोवेरा का बकाया हिस्सा बच गया था वो लेंगे और इस पर भी इसी तरह कट लगाएंगे ताकि इसका जेल बाहर आ जाए और फिर इस पर भी नींबू का रस निकालेंगे और फिर इसमें डिप करके इसी तरह आप अपने चेहरे पर इसका मसाज करेंगे। दोस्तों राइस फ्लोर का इस्तेमाल जापान में बहुत ज्यादा किया जाता है स्किन के लिए क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ब्राइट लुक और वाइटनिंग देने में मदद करते हैं और ये आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और मुलायम बनाता है। 5 मिनट मसाज करने के बाद आपने इसे 15 से 20 मिनट तक के लिए अपने फेस के ऊपर ऐसे ही छोड़ना है और जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तब आपने इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लेना है। अब इन दोनों स्क्रब को यूज करने के बाद आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे।
आप लोग खुद देख सकेंगे कि पहले आपका चेहरा कैसा था और अब कैसा है। एक ही बार के इस्तेमाल से बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन पहले से ज्यादा गोरी और चमकदार हो जाएगी। तो प्लीज आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।